हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और गाइज, एक क्वेश्चन पूछ लेना चाहते हैं आपसे कि जो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया है, क्या वो चैप्टर 1 आपको पूर्ण रूप से या कम्प्लीटली समझ में आया है? अगर समझ में आया होगा तो इस चैप्टर 2 का आज हम लोग जो है चैप्टर ओवरव्यू लेके आए हैं, उसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर चैप्टर 1 हमारा पूर्ण रूप से क्लियर है। ठीक। और गाइज, आप कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अपना मन लगाए होंगे। तो गाइज, आज हम लोग एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर के बारे में बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है उस चैप्टर के अंतर्गत। तो एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है, वो दूसरे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर का क्या नाम है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो ये आपके दूसरे चैप्टर का नाम है। ये देखिए, दो टॉपिक में बता है। एक तो एक भाग में आपको स्थिर वैद्युत विभव पढ़ना है, दूसरे भाग में आपको क्या पढ़ना है? धारिता पढ़ना है। तो मैंने धारिता का ओवरव्यू या धारिता का चैप्टर, धारिता के बारे में या धारिता से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है मैंने यहाँ नहीं दिखाया है। वो जब हम लोग इसको इसके बारे में पढ़ लेंगे, स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ लेंगे, तो अगली लेक्चर में आपको ये धारिता के बारे में वहाँ पता चल जाएगा धारिता से रिलेटेड कौन सी टॉपिक पढ़ना है गाइज। तो आज के चैप्टर ओवरव्यू में हम लोग जान लेते हैं कि हमको किन टॉपिक पे तैयारी करना है, किन टॉपिकों पे अध्ययन करना है। तो सबसे पहली टॉपिक आती है स्थिर वैद्युत विभव। ध्यान से समझिएगा, यानी जैसे ही इस चैप्टर को आप शुरुआत करोगे तो चैप्टर का पहला ही टॉपिक पढ़ोगे स्थिर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है? मन में कई प्रकार के क्वेश्चन उठे कि आखिर स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। तो स्थिर वैद्युत विभव जानने के लिए गाइज इंतजार कीजिएगा लेक्चर की। तो स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है वहां बताएंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। यदि आवेश बिंदु रूपी हो तो उसके कारण विद्युत विभव क्या होता है वो जानेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। फिर उसके बाद तीसरा लेक्चर क्या आएगा? तीसरे लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। यानी अगर कोई निकाय हो, कई आवेशों से मिलकर एक निकाय हम लोग तैयार कर दे, तो उस निकाय के कारण विद्युत विभव क्या होगा वो हम लोग तीसरे लेक्चर में जानेंगे गाइज। फिर उसका चौथा क्या आएगा? चौथा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव होगा वो ज्ञात करेंगे। इसमें दो चीज़ों को पढ़ना होगा, एक अच्छी स्थिति, एक निरच्छी स्थिति। यहाँ हमको दो चीज़ों पे निकालना पड़ेगा। एक क्या निकालना पड़ेगा? अच्छी स्थिति। और दूसरी कौन सी निकालनी पड़ेगी? निरच्छी स्थिति। कौन सी? अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति पर आपको विद्युत विभव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग दो लेक्चर में इसको समाप्त करेंगे, अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति। फिर उसके बाद अगली टॉपिक क्या आती है? अगली टॉपिक आपको पढ़ना है विभव प्रवणता। अगली टॉपिक क्या अध्ययन करना? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता के बारे में हम लोग जानेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएँ क्या होती हैं, समविभव पृष्ठ कैसे देखें, क्या होता है क्या नहीं होता, तो हम लोग इसको जानेंगे। फिर आपकी अगली टॉपिक आ जाती है इसको पढ़ने के बाद विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आपकी क्या आती है? एक समान विद्युत क्षेत्र में, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे बना दिया जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र ई बना ले हम लोग ऐसे मान लेते हैं, और इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। अब उसके बाद इसको घुमाते हैं, तो भाई साहब इसको घुमाने में जो कार्य होगा उस कार्य को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपकी अगली लेक्चर आती है इस संधारित्र, अगली लेक्चर क्या है? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यानी जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम लोग उसको जानेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही इसका समाप्ति होगा फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे धारिता के बारे में। तो गाइज, आपके इस चैप्टर के दौरान एक लेक्चर, दो, तीन, चार, एक, पाँच, एक, छः, सात, आठ, नौ, दस, यानी 10 लेक्चर में आप एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर का आधा पार्ट जो है आप सॉल्व कर लोगे, आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे गाइज। तो यदि आपके ये जो आज का चैप्टर ओवरव्यू है अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या सर ने कोई हेडिंग छोड़ तो नहीं दिया, तो छूटनी नहीं चाहिए गाइज। तो चलिए, अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ आज के चैप्टर के ओवरव्यू को जम के शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो टॉपिक आपका छूट जाएगा डियर स्टूडेंट, उसके जिम्मेदार कौन होगा?
आप लोग हो गए गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।